Hey, do you mind me calling later? Huh. Please raise your hand, call karo na. I'm going to start an important lesson. Huh. Thanks. Bye. Bye. तो दोस्तों आपने देखा कि मैं क्लियरली किसी दोस्त से बात नहीं कर रही थी. इट वॉज क्वाइट फॉर्मल. जी हाँ, दोस्तों से हम इस तरह थोड़ी बात करते हैं. हम इसे बोलते हैं, अरे यार फ़ोन रख, बाद में बात कर, मुझे काम है ना. तो दोस्तों जब ये हमें फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी होती है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे फॉर्मली बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या आपका अपना व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, आपके अपने क्लाइंट्स हो, कोई भी तरह का काम हो, लेकिन उसमें हमें कहीं ना कहीं फॉर्मली बात करनी ही पड़ती है, राइट? तो दोस्तों फॉर्मल फ़ोन कॉन्वर्जेशंस थोड़ी ट्रिकी होती हैं, क्योंकि वहाँ आपको क्लियर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है, वरना बहुत बार सही तरीके से बात कन्वे नहीं हो पाती और उसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी इंप्रेशन ख़राब हो सकती है. मेरी हाल ही में एक स्टूडेंट जो बनी है, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू था जॉब के लिए, और वो फ़ोन पर बात करते हुए इतना कंफ्यूज्ड हो गई कि उसका पूरा इंटरव्यू बेकार हो गया था और वो जॉब उसे नहीं मिली. अफसोस की बात है ना. उसके बाद वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसा हो गया है, अब टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन बड़ी ख़राब सी गई. तो मैंने उनको सिखाया, तो इससे उनकी काफ़ी ज़्यादा उन्हें हेल्प मिली है और उन्होंने अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, उनको वो जॉब भी मिल गई है. अगर आपको भी ऐसी कई परेशानियां होती हैं तो आज का लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फ़ोन पर फॉर्मल बातचीत कैसे की जाती है. ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा. मैं हूँ जैनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप फ़ोन उठाते ही बोलेंगे वो है, क्योंकि ये फॉर्मल बात हो रही है तो हम उन्हें ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग. ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फ़ोन उठाते हैं, तो जैसे कि दिस इज़ सो एंड सो, दिस इज़ जेनी स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग. आप अपना नाम बता सकते हैं और उन्हें ग्रीट कर सकते हैं, है ना. आप जो भी नाम है आप आराम से इस तरह बता के बोल सकते हैं. अब जैसे कि आपको बात करनी है तो आप आगे की चीज़ कैसे बोलेंगे, उनका नाम लेके. आप डायरेक्टली बोल देंगे कि अच्छा मेरी इनसे बात करवा दीजिए. नहीं, आप इस तरह नहीं बोलेंगे, राइट? क्योंकि ऑफिस है और इंग्लिश में बात करनी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ, तो समझ लीजिए आपको जिनसे बात करनी है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कुड आई स्पीक टू आकाश प्लीज़, कुड आई स्पीक टू आकाश प्लीज़, क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ प्लीज़. आप यही बात दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट आकाश, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट आकाश, मैं आकाश से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. इसका मतलब है कि आप बात करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन लग नहीं रहा होगा. दोस्तों अगर आपको ये बताना है कि आपने किस पर्पज़ से फ़ोन किया है, आपका क्या रीज़न है फ़ोन करने का, तो आप कह सकते हैं आई एम कॉलिंग अबाउट, या तो फिर आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना. तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर आप अपनी कंपनी की तरफ से या अपने बॉस के बिहाफ से किसी को कॉल कर रहे हैं, तब आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ, अपने कंपनी का नाम बोल दीजिए या बॉस का नाम बोल दीजिए, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ जेनी. अगर आप फ़ोन उठाते हैं ऑफिस में तब आप ये फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोहन स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू. अब जैसे अगर आपने फ़ोन उठाया है, किसी ने आपको फ़ोन किया है किसी काम से, तो आप इस तरह बोल सकते हैं अपना नाम बोलकर कि मैं रोहन बोल रहा हूँ, मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ, है ना. दोस्तों अगर आपको किसी ने कॉल किया है और आपको पहचान में नहीं आ रहा कि फ़ोन पर कौन है, तब आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मे आई आस्क हुज़ कॉलिंग प्लीज़, मे आई आस्क हुज़ कॉलिंग प्लीज़, मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है. देखिए बहुत ही पोलाइट और बहुत ही फॉर्मल तरीके हैं, आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए. अगर आपको किसी से फ़ोन, आपको किसी का फ़ोन आया है और आप उसे कहना चाहते हैं कि होल्ड कीजिएगा, तब भी आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी.
could you hold on a moment please? Could you hold on a moment please? क्या आप एक मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं प्लीज़? Could you hold the line please? आप ये भी बोल सकते हैं, Could you hold the line please? क्या आप फ़ोन चालू रखेंगे? I will get back to you in a moment. I will get back to you in a moment. मैं एक मिनट में आपसे बात करती हूँ. अगर फ़ोन किसी और के लिए आया है और वो इंसान वहाँ मौजूद नहीं है, तब आप ये फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कह सकते हैं, I am sorry, she is out of the office today. I am sorry, he or she is out of the office today. माफ़ कीजिएगा, वह आज ऑफिस से बाहर हैं. He is not here. Would you like to leave a message? वह यहाँ नहीं है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों समझ लीजिए, आपने जिसके लिए कॉल किया है ना, वो नहीं है वहाँ पर, तो ये उस सिचुएशन के लिए है. फ्रेंड्स, कभी किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट है और आपको इसकी बात समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करते हैं? जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, या फिर हमारे यहाँ के भी क्लाइंट्स होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे? कुड यू स्पीक स्लोली, कुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? आप ये भी कह सकते हैं, आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज़? I don't get you. Could you repeat, please? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? दोस्तों अगर आपको किसी का नाम समझ नहीं आ रहा फ़ोन पर, तो आप उसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि Could you spell your name for me? Could you spell your name for me? क्या आप अपने नेम की स्पेलिंग बता सकते हैं ताकि मैं सही तरीके से आपका नाम ले पाऊँ? दोस्तों कॉन्वर्जेशन को फिनिश कैसे किया जाता है फ़ोन पर, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से बात कर रहे हैं लेकिन आप उसे अच्छी तरह से फिनिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको सामने वाला इंसान थोड़ा रूड समझ ले और उसके सामने आपका इंप्रेशन भी ख़राब हो जाए, है ना? उन्हें लगेगा कि अरे ऐसे ही फ़ोन रख दिया, ख़त्म भी नहीं की बात. तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं फ़ोन पर बात फिनिश करने के लिए. जैसे कि वेल आई गेस आई बेटर गेट गोइंग टॉक टू यू सून. वेल आई गेस आई बेटर गेट गोइंग टॉक टू यू सून. वेल मुझे लगता है कि अब मुझे रखना चाहिए, हम जल्दी बात करेंगे, मुझे जाना है, है ना? दूसरा है जैसे कि थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय फॉर नाउ. थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय फॉर नाउ. I have another call coming through. I need to hang up. I have another call coming through. I need to hang up. मुझे दूसरी कॉल आ रही है, मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा. और जैसे कि I have some urgent piece of work. I will call you later. I have some urgent piece of work. I will call you later. मुझे अभी कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हें थोड़ी टाइम बाद कॉल करूँगा. साथ आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें. दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका होता है अच्छी तरीके से सुनना, समझना और उसे प्रैक्टिस करना. उससे आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए. मैं जल्द मिलूँगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय.